अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम आपको एक्टर नईम हक के बारे में बताएंगे कि कैसे इन्होंने एक्टिंग स्टार्ट की, कैसे फिल्म इंडस्ट्री में आए और कहाँ से ट्रेनिंग ली। तो चलते हैं वीडियो की तरफ बगैर वक्त ज़ाया किए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश करता हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुँचती रहे। आपको नईम हक का इंकशाफ बताएंगे कि उन्होंने कहा कि मैंने अदाकारी की तरबियत भारत से लेकर आया हूं। पाकिस्तान शोबाज इंडस्ट्री का अदाकार नईम हक ने इंकशाफ है कि भारत से अदाकारी की तरबियत लेकर आए हैं। हाल ही में नईम हक ने निजी टीवी के एक प्रोग्राम में शिरकत की जहां इन्होंने बताया कि मैं भारत से अदाकारी की तरबियत लेकर आया हूँ। मेरे उस्ताद साजिदा विंडल ने कॉलेज के बुनियाद पर अनिल कपूर के एक्टिंग स्कूल में मेरा दाखिला करवाया था। अदाकार ने बताया कि मैंने शाहरुख खान की फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे तकरीबन 8 दफ़ा देखी थी। मुझे तजस हुआ कि शाहरुख खान इतने अच्छे अदाकार कैसे हैं और बॉलीवुड की फिल्म से अदाकार कैसे इतना अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं। इन्होंने कहा कि मैंने अपने उस्ताद साजिदा विंडल के पास जाकर दरख्वास्त की कि वो कॉलेज की बुनियाद पर अनिल कपूर के एक्टिंग स्कूल में मेरा दाखिला करवा दे क्योंकि ज़ाती तौर पर नौजवानों के लिए भारत जाकर स्कूल में दाखिला लेना बहुत मुश्किल काम है। इसके बाद इनके तावर से मेरा भारत के स्कूल में दाखिला हो गया। इन्होंने मज़ीद कहा कि स्कूल में रोज़ाना 6 घंटे अदाकार की तरबियत जाती है तो वो दिन 3 दिन बाद ही मुझे क्लासेस मुश्किल लगने लगी लेकिन वह तजर्बा अच्छा साबित हुआ और मैंने एक्टिंग सीख ली तो इस तरह मैं एक्टर बन गया। प्लीज़।